स्पेन में दो जगह आतंकी हमला, बार्सिलोना में हुए हमले में 13 लोगों की मौत, 90 से ज्यादा घायल। बार्सिलोना में आतंकियों ने भीड़ से भरे इलाके में वैन को फुटपाथ पर चढ़ाया, कई लोगों को कुचला, आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली। आतंकी हमले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी, लारामबला को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बार्सिलोना में आतंकी हमले में पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ा, हमले में इस्तेमाल हुई वैन किराए पर दी थी। बार्सिलोना आतंकी हमले में किसी भारतीय को नुकसान नहीं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर जानकारी दी। स्पेन में दूसरे आतंकी हमले की कोशिश नाकाम, चार आतंकियों को मार गिराए जाने का दावा किया गया है। स्पेन में दूसरे आतंकी हमले में एक आतंकी घायल, पुलिस ने लोगों को सड़कों से दूर रहने के लिए अलर्ट जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी हमले की निंदा की, स्पेन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। डोकलाम विवाद में भारत को जापान का साथ मिला, एक बयान में जापान ने कहा किसी को भी ताकत के दम पर मौजूदा स्थिति को बदलने का अधिकार नहीं है। जापान ने कहा डोकलाम में चीन ने सड़क बनाने की कोशिश कर भारत और भूटान के साथ धोखा किया है। टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार कश्मीरी बिजनेसमैन ज़हूर वटाली को एनआईए आज कोर्ट में पेश करेगी, गुरुवार को दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी। बिजनेसमैन वटाली पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, 3 जून को छापेमारी में मिले दस्तावेज से खुलासा हुआ। चुनाव आयुक्त ओपी रावत का बयान, नेताओं के लिए आज हर हाल में चुनाव जीतना पहली शर्त बन गया है। चुनाव सुधारों पर बोलते हुए आयुक्त ओपी रावत ने कहा लोकतंत्र तभी पनपता है जब चुनाव भयमुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी हो। इंडो आसियन यूथ समिट को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संबोधित करेंगे। भोपाल में इंडो आसियन यूथ समिट की शुरुआत सम्मेलन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सम्मान किया गया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने प्रतिनिधियों का जवाब दिया, कहा हम सार्वजनिक जीवन में सेवा करने के लिए आए हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एक अच्छे नेता के गुण बताए, कहा त्याग करना ही किसी को अच्छा नेता बनाता है। इंडो आसियन समिट में डॉक्टर चंद्रा ने कहा संसदीय व्यवस्था में कभी कभी कुछ वर्ग खुद को उपेक्षित भी महसूस करते हैं। एयरफोर्सिस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विशाल सिक्का का इस्तीफा, यूबी प्रवीण राव को अंतरिम जिम्मेदारी दी गई है। यूपी में प्राइवेट स्कूलों के लिए राज्य सरकार शुल्क नियंत्रण कानून ला सकती है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इसकी जानकारी दी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में बनी कमेटी इस पर काम कर रही है, कहा स्कूल फीस के मामले में जनता का हित पहला होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भोपाल पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, शाह ने दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। कॉर्पोरेट घरानों ने पिछले 4 साल में राजनीतिक पार्टियों को 556.77 करोड़ रुपए चंदा दिया, एडीआर ने चुनाव आयोग को जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा 705.8 करोड़ रुपए मिले और दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल गोरखपुर जाएंगे, मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। सेना चीफ जनरल बिपिन रावत रविवार को लद्दाख जाएंगे, 3 दिन के दौरे पर हालात का जायजा लेंगे। पणजी उपचुनाव को लेकर सीएम मनोहर पर्रिकर का घोषणा पत्र, पणजी में 100% सीसीटीवी लगाने का वादा, 23 अगस्त को वोटिंग। पणजी और वलपई विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे वलपई सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गोवा की 40 सदस्य विधानसभा में बीजेपी के 13 विधायक हैं जबकि कांग्रेस के 17 विधायक हैं। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से अपील की, ओमान में फंसी नाबालिग के लिए मदद मांगी, रेप और धोखाधड़ी का केस दर्ज। हैदराबाद की रहने वाली 16 साल की लड़की की ओमान के 65 साल के शख्स के साथ जबरन शादी कराई गई, परिवार ने सरकार से मदद की अपील की। शिमला गैंग रेप और मर्डर केस में हाईकोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई, 2 हफ्ते में जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। देश के 14 राज्य बाढ़ की चपेट में, अलग अलग राज्यों में बाढ़ से अब तक 621 लोगों की मौत हो चुकी है, 10,000 से भी ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित है। बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 119 हुई, 15 जिलों के 93 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। बिहार के कटिहार में बाढ़ से तबाही, लाखों लोग बेघर, राहत बचाव में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई। बिहार के अररिया में पुल पार करने के दौरान एक हादसा हो गया, एक महिला 2 बच्चों के समेत पानी में बह गई, हादसे में 3 की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के मेदापुर में बाढ़ से हालात खराब हैं, सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबी हुई है। असम में बाढ़ का जंगली जानवरों पर बुरा असर पड़ा है, काजीरंगा पार्क में अब तक 140 जानवर मरे मिले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, बाढ़ प्रभावित इलाके बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जाएंगे सीएम। दिल्ली के एक 5-स्टार होटल के सिक्योरिटी मैनेजर पर महिला कर्मचारी से छेड़खानी का आरोप, सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। मामला 29 जुलाई का है, 1 अगस्त को शिकायत हुई, महिला का आरोप मैनेजर ने संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। दिल्ली के गोल मार्केट के केंद्रीय विद्यालय में 11वीं के छात्र सोनू की स्कूल में मौत हो गई, प्रार्थना के दौरान बेहोश हो गया। फरीदाबाद के असोला वाइल्ड लाइफ घूमने गए जेएनयू के 3 छात्रों के साथ मारपीट, 7 लोगों पर आरोप। गुरुग्राम में नाबालिग बेटी ने पिता पर रेप का आरोप लगाया, केस दर्ज, 5वीं क्लास में पढ़ती है।
दिल्ली के नारकोटिक्स विभाग ने एयरपोर्ट से दो विदेशी नागरिकों को पकड़ा। 40 करोड़ रुपए कीमत की कोकीन बरामद की गई। दिल्ली के रोहिणी में 16 अगस्त को हुए 12वीं की छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, 1 जख्मी। गाजियाबाद में दिन दहाड़े युवती को गोली मारकर फरार हुए युवक। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ में बब्बर खालसा के दो आतंकियों की पेशी। 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब लेकर पहुंची पुलिस। मेरठ की 2 लड़कियों ने विशेष समुदाय के लड़कों पर नाम बदलकर फंसाने का आरोप लगाया। धन परिवर्तन नहीं करने पर फोटो को अपलोड करने की भी धमकी दी। लखनऊ में स्वाइन फ्लू से 2 नए मरीजों की मौत होकर हड़कंप मच गया है। लखनऊ में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल के सोलन में नाबालिग की हत्या की गुत्थी सुलझी। अवैध संबंधों की वजह से हुई थी हत्या, मां का दोस्त निकला हत्यारा। शामली में बैंक यूनियन की आज से हड़ताल, 22 अगस्त तक मांगों को लेकर प्रदर्शन। पंजाब के मुक्तसर में एक युवा किसान ने जहर पीकर आत्महत्या की। 4 लाख के कर्ज से परेशान था। किसानों की मौत पर पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का कांग्रेस पर हमला। कहा, दोहरी नीति की वजह से आत्महत्या का दबाव बढ़ा। बठिंडा में किसानों की आत्महत्या को लेकर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर भावुक हुई। कहा, पंजाब सरकार पर कत्ल का केस दर्ज होना चाहिए। पंजाब सरकार बेरोजगारों को नौकरी देगी। 21 से 31 अगस्त तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। पंजाब के फिरोजपुर में आरएसडी कॉलेज की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए। पुलिस सीसीटीवी से आरोपियों को तलाशने की कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ में रेप पीड़ित लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी थी। पंजाब के फिरोजपुर में स्कूल में बच्चे पढ़ाई के बजाय मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। दोषी प्रिंसिपल ने आरोपों से इनकार किया है। लुधियाना में हजारों लोगों ने ट्रेन रूट को जाम किया। लोढ़ा कमेटी के आदेश के बाद भी पैसे नहीं मिलने से नाराज हैं। पल ग्रुप पर गबन का आरोप लगाया। मोहाली के एटीएम में युवक से ठगी। 25,000 रुपए ठग कर आरोपी फरार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा वाकया। लुधियाना पुलिस ने 2 गैंगस्टर को 1 कार और 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों पर लूट और कत्ल के कई संगीन मामले दर्ज हैं। पंजाब के बरनाला में ई रिक्शा चालकों का डीएम के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। काटे गए चालान वापस लेने की मांग की गई है। चंडीगढ़ में छेड़छाड़ के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। नशे में 4 लड़कों पर अश्लील इशारा करने का आरोप। 2 युवक अभी भी फरार हैं। फरीदाबाद में एक गाड़ी में युवक की लाश मिली। आरोपी ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हरियाणा के यमुनानगर में एक दंपति ने इच्छा मृत्यु मांगी। बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर हुई 20 लाख रुपए की ठगी। फरीदाबाद में गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी होगा। चोरी पर रोक लगाने के लिए कदम। प्रशासन ने 3 दिन का वक्त दिया है। हरियाणा के सिरसा में गुरमीत राम रहीम के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। यौन शोषण केस में गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त तक राहत मिल गई है। मंडी में सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मोबाइल और पैसों को लालच दिया। शिकायत दर्ज, आरोपी फरार। जम्मू के पुंछ में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया। युवाओं से जिंदगी चुनने की अपील की गई है। जम्मू के पुंछ में भालू का हमला, 1 महिला जख्मी। लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के सागर में दबंगों ने महिला की नाक काटी। महिला और इसके पति ने बंधुआ मजदूरी करने से इनकार कर दिया था। मध्य प्रदेश के खरगोन में अज्ञात शव को अपना रिश्तेदार समझकर एक परिवार ने दफनाया। बाद में उनका रिश्तेदार जिंदा मिला। पुलिस ने सौंपी थी ये लाश। राजस्थान के राजसमंद में सड़क हादसे में घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा है। परिवार वालों ने हंगामा किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 3 नक्सली गिरफ्तार। एसपीओ की हत्या सहित कई मामले इन पर दर्ज हैं। झुंझुनू में कपड़े के 2 शोरूम में चोरी। लाखों रुपए कैश लेकर चोर फरार। कई सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। राजस्थान के झुंझुनू में नहाने गए कॉलेज का एक छात्र खदान में डूब गया। शव की तलाश शुरू हो गई है। 17 सालों से खदान बंद पड़ी हुई थी। राजस्थान के अलवर में स्पा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के कोटा में 10 महीने पहले मर्डर करने वाला गिरफ्तार किया गया है। महज 2,000 रुपए के लिए हत्या को अंजाम दिया था। राजस्थान के बहादुरगढ़ में एक युवक ने ट्रैफिक पुलिस को जान से मारने की धमकी दी। टैंकर रोकने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। अजमेर में एक मकान से लाखों का सामान लेकर चोर फरार हो गए। इलाके में पिछले कई दिनों में 12 चोरियां हो चुकी हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 1 आरोपी भागने में सफल रहा। पेट्रोल पंप को लूटने की साजिश रच रहे थे। बिहार के वैशाली में कृषि उपनिदेशक बैद्यनाथ रजक के घर आईटी की रेड। आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप। झारखंड के कोडरमा में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम कर दिए गए हैं। 13 IED बम बरामद किए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक मिला। झारखंड के सिमडेगा में मुठभेड़ में जख्मी हुआ नक्सली। हथियार और डायरी बरामद किए गए हैं। झारखंड के पाकुड़ में पुलिस ने 2 बदमाश को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी फरार हुए। 3 देसी पिस्टल सहित कारतूस बरामद किए गए हैं। झारखंड के गुड्डा में खेत में लाश मिलने से हड़कंप मच गई। शव की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की है। झारखंड के गोड्डा में बिजली विभाग के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। वेनेजुएला की जेल पर माफियाओं का हमला।
37 कैदियों की मौत, 14 पुलिस वाले घायल। फिलीपींस में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान, पुलिस की छापेमारी में 3 दिन के अंदर 58 अपराधी मारे गए। पुर्तगाल के जंगलों में 2 जगहों पर भड़की आग बेकाबू, आग में झुलसने की वजह से करीब 80 लोग घायल हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष में कई नैनो सैटेलाइट छोड़े गए, इनमें से पहली सैटेलाइट 3D प्रिंटेड थी।